नमस्कार दोस्तों, आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हर बार मैं आपके लिए एक नया विषय और रोचक जानकारी लेकर आती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हर हफ्ते मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आऊंगी और उसके विषय से संबंधित एक रोचक जानकारी भी मैं आपको दूंगी। आज के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपके लिए समास का भाग दो लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः समास के 6 भेद हैं। पहला अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद समास और छठा बहुव्रीही समास। अव्यय भाव समास, जिस समास का पहला पद या कहे पूर्व पद प्रधान हो या वह अव्यय हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। शब्द के अव्यय बनने का अर्थ है कि उसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, इस प्रकार बना समस्त पद भी अव्यय ही होता है। अविकारी शब्द अव्यय कहलाए जाते हैं। तो उन शब्दों को अव्यय भाव समास को करते हुए आप उन शब्दों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जैसे यथा मति, अर्थात मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक, इसमें यथा और आ अव्यय है। तो जहां भी आप इन्हें देखेंगे, आजन्म, आजीवन, भरपेट, प्रतिशन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रति सप्ताह, हर सप्ताह, यथा विधि, विधि के अनुसार, जब भी आप इन शब्दों को देखेंगे तो आप इन्हें पहचान जाएंगे कि इनमें अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास के विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति भी होती है, जैसे एकाएक, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे अपने दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जिस समास में उत्तर पद यानी के दूसरा पद प्रधान हो और पूर्व पद यानी के पहला पद गौण हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भेदों को जान लेते हैं। उसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा भेद है आपादान तत्पुरुष, पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष और छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष। इसके 6 भेद कारकों पर आधारित है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने समास के विषय में बताते हुए कहा था, जब मैंने उदाहरण दिया था डाक के लिए घर, तो के लिए जो है वो कारक चिन्ह थे, उन चिन्हों को हटाकर मैंने क्या बनाया था, डाक घर। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। वन गमन, अर्थात वन को गमन यानी कि वन को गया हुआ। ज्ञातव्य यानी कि जो हमारे सामने समक्ष यह उदाहरण है, समास विग्रह है। ज्ञातव्य समास विग्रह में जो कारक प्रकट हो रहा है वह उसी कारक वाला समास होता है, अर्थात कर्म तत्पुरुष। यहाँ पर को किसका चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तुलसीदास कृत, अर्थात तुलसीदास द्वारा रचित। ज्ञातव्य समास विग्रह में जो कारक प्रकट हो रहा है
वह उसी कारक वाला समास होता है। और ज्ञातव्य समास विग्रह में कौन सा कारक है द्वारा करण कारक का यह चिन्ह है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। आइए अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग, यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है के लिए, और के लिए किसका कारक चिन्ह है संप्रदान कारक का, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है। जी हाँ, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट, से जिसमें अलग होने का अब हमें पता चल रहा है, और यह कौन से कारक का चिन्ह है। जी हाँ, यह आपादान कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है आपादान तत्पुरुष समास। चलिए अब आगे अन्य उदाहरण देख लेते हैं। भारत रत्न अर्थात भारत का रत्न, भारत का रत्न का यहाँ पर संबंध बता रहा है, किसका रत्न है भारत का, और का किस कारक चिन्ह का है। जी हाँ, संबंध कारक का यह चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है। जी हाँ, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। आइए अब अगला देख लेते हैं। जलमग्न अर्थात जल में मग्न, तो यहाँ पर हमें में जो है वह स्थान बता रहा है। जल में मग्न अर्थात यहाँ पर हमें में शब्द बता रहा है स्थान के विषय में, तो यहाँ पर कौन सा कारक है। जी हाँ, यहाँ पर अधिकरण कारक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए अब हम कर्मधारय समास के विषय में जान ले। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण मतलब कोई खास बात, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, उपमान जिसके साथ किसी की उपमा दी जाए और उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है वह कर्मधारय समास कहलाता है। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे काली मिर्च, यहाँ पर है समास विग्रह क्या होगा, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, तो यहाँ पर काली क्या है, पहला पूर्व पद क्या है काली और उत्तर पद क्या है मिर्च। इस समास कर्मधारय समास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों के मध्य विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय, तो यहाँ पर किसी की उपमा नहीं दी जा रही है, लेकिन काली शब्द जो है वह एक विशेषण है, और किसका विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है मिर्च की, तो मिर्च क्या है विशेष्य, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाया जा रहा है, और मिर्च यहाँ पर उत्तर पद है और वह प्रधान है, मिर्च के विषय में बात की जा रही है कि वह कैसी है काली। इसका दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। चरण कमल, तो यहाँ पर समास विग्रह क्या होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो चरणों को किसके समान बताया जा रहा है कमल के समान, तो कमल क्या है उपमान, किसके साथ उपमा दी जा रही है कमल के साथ चरणों की, तो किसकी उपमा दी जा रही है चरण की, तो यहाँ पर चरण क्या है उपमेय, उपमेय क्या होता है जिसकी उपमा दी जाती है और जिसके साथ उपमा दी जाती है वह क्या कहलाता है उपमान, क्या कहलाता है उपमान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि द्विगु समास की पहचान में आपको पूर्व पद को देखना है, पूर्व पद यानी कि पहले शब्द को देखना है कि वह संख्यावाचक होना चाहिए, यानी कि वह संख्या बताता हो, कोई नंबर बताता हो, एक दो तीन त्रि चतुर, तो इस तरह के शब्दों का उसके पूर्व पद में होना अनिवार्य है। और अगर है भी, अगर वो शब्द है भी, संख्या भी है, लेकिन उस शब्द को पढ़ने से हमारे अंतर्गत हमें यह बोध होना चाहिए कि वह समूह को बता रहा है, समूह को दर्शा रहा है, तो इन दो बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा जब आप द्विगु समास या किसी शब्द को देखते हैं कि वह द्विगु समास का शब्द है या किसी और का। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे त्रिकोण, त्रिकोण अर्थात तीन कोणों का समूह, और यहाँ पर तीन क्या है संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर तीन क्या है संख्यावाचक विशेषण। द्वंद समास, द्वंद समास के जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्वंद, दो शब्दों के बीच में युद्ध,
दोनों पक्ष जब बराबर होते हैं तभी दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद समास कहलाता है। तो जब दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी और पूर्व पद उत्तर पद के समान हो, तो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके बीच में हम और अथवा या एवं लगाते हैं। जी हाँ, माता पिता, रात और दिन, या तो वो विलोम होते हैं एक दूसरे के या पूरक होते हैं, ऐसे शब्दों के बीच में हम इनका प्रयोग करते हैं। और वहीं पर द्वंद्व समास है, उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, और इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। इसका एक चिन्ह याद रख लीजिए, जब भी आप शब्द को देखेंगे तो इसके बीच में एक योजक चिन्ह आपको नजर आएगा। और जब हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो वहां पर यह योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और उसकी जगह पर हम और तथा या का प्रयोग करते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, राजा रंक, राजा और रंक, मोटा पतला, मोटा और पतला, सुख दुख, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आना जाना, आना और जाना, भला बुरा, भला या बुरा, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। चलिए अब हम अपने अगले समास की ओर बढ़ते हैं, बहुव्रीही समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीही समास होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बहुव्रीही समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात दोनों पद मिलकर कोई अन्य ही अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम इसे और अच्छी तरह से जान लें। जैसे एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पर समस्त पद क्या है? एक दंत। और वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक दंत किसका होता है? जी हाँ, भगवान गणेश का। तो यह दोनों पद मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? किसी अन्य पद की ओर। और वह अन्य पद क्या है? गणेश। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीही समास। तो आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।